आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, सो द प्रॉब्लम इज दैट एरिया ऑफ ए स्क्वायर जिसकी साइड है 5, चार कॉर्नर है मेरे पास सर्कुलर आर्क में जिसकी रेडियाई है 1। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो रेडियाई जो दी हुई है कंप्लीट सर्कल की वो 2.5 सेंटीमीटर में मिली हुई है। सो हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेट जो शेडिड पोर्शन है उसका जो एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये कंप्लीट जो मेरे पास एक स्केयर है तो स्केयर की साइड 5 है, तो स्केयर का एरिया क्या होता है, दैट इज एरिया ऑफ द स्केयर अगर मैं लिखूँ तो 5 × 5 दैट इज यहाँ पे मेरे पास 25 हो जाएगा स्केयर का एरिया। और अगर इस कंप्लीट सर्कल का एरिया मैं देखूँ तो वो होता है पाई आर स्केयर, एरिया ऑफ द इस कंप्लीट सर्कल तो पाई दैट इज, और आर यहाँ पे कितनी है दैट इज 2.5, तो ये मेरे पास हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास 4 जो है वो कॉर्नर्स मिले हुए हैं मुझे सर्कुलर आर्क के, है ना, तो क्लियरली ये 4 कर्व्स है। यहाँ पे जो एंगल होगा दैट इज वो 90 डिग्री का होगा मेरे पास, है ना, और ये क्या है आर्क है मतलब क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो वो मेरे पास होता है दैट इज थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, है ना, ये होता है। तो यहाँ पे क्लियरली मेरे को रेडियाई कितनी मिली हुई है, 1 मिली हुई है। सो मैं इसका अगर रिक्वायर्ड एरिया लिखूँ दैट इज द एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ शेडिड रीजन, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज सबसे पहले तो मैं कंप्लीट स्क्वायर का एरिया लिखती हूँ दैट इज एरिया ऑफ द स्क्वायर, कंप्लीट मैंने स्क्वायर का एरिया ले लिया, उसमें से अब मुझे सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर देती हूँ मैं दैट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, और सर्कल का एरिया सब एरिया ना होगा माइनस करना होगा, ये जो मेरे पास कॉर्नर है दैट इज द क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे ये ऐसे 4 क्वाड्रेंट है तो 4 × में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो ये मेरा जो होगा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, ठीक है। सो अब अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ से मेरे पास जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा दैट इज़ अ शेडेड रीजन को मैं रिक्वायर्ड एरिया से डिनोट कर लेती हूँ यहाँ पे, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड है 5 तो 25 हो गया, माइनस एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई और आर की जगह मैं 2.5 × में 2.5 लिख लेती हूँ, ठीक है, एंड माइनस 4 × में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सो क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा दैट इज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्वाड्रेंट, यहाँ पे थीटा मेरे पास कितना है, थीटा अपॉन में 360 होता है, तो दैट इज 90 में मेरे पास हो जाएगा 90 / 360, एंड पाई और आर मेरे पास कितना है दैट इज 1, सो 1 का मेरे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से जो एरिया आ जाएगा दैट इज 25 माइनस 25 × में 25 करूंगी तो पाई इंटू में मेरे पास हो जाएगा 6.25, एंड यहाँ पे मैं इसको कट कर लेती हूँ 910, तो ये मेरे पास 4 पे कट हो जाएगा, 4 से मेरा 4 कैंसिल आउट हो गया, 1 का मैं स्क्वायर करूंगी तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास माइनस ऑफ पाई हो गया, ठीक है। थ्रू आउट मैं क्या करती हूँ पाई कॉमन निकाल लेती हूँ, 25 माइनस पाई मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे मेरे पास जो बच जाएगा दैट इज माइनस माइनस में इनका सम कर लेती हूँ 6.25, एंड प्लस मेरे पास 1 हो जाएगा, माइनस माइनस पाई मैंने कॉमन निकाल लिया, 25 माइनस पाई की वैल्यू 3.14 रख लेती हूँ, एंड यहाँ मेरे पास हो जाएगा 7.25, ठीक है, तो 3.14 की मल्टीप्लाई में 7.25 से करा देती हूँ, तो क्लियरली जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 25 माइनस यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 22.765, सो मैं इसमें माइनस करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.235 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो अब मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो क्लियरली जो लास्ट ऑप्शन है मेरा वो मेरा इससे करेक्टली मैच कर जाएगा, यही इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी, है ना, सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।